बच्चों के बारे में किसी ने कुछ बताया क्या? नहीं मौसी, मौसम इतना खराब है कि किसी को फोन ही नहीं लग रहा है, और एक आध फोन लग भी जाता है ना तो सामने से कौन क्या बोल रहा है कुछ सुना नहीं देता है। लेकिन एक बात, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बालवीर है ना, बालवीर हमारे बच्चों को बुरे से बुरे तूफान से बचा के ले आएगा। हाँ, टेंशन में हम लोग ये तो भूल ही गए कि बालवीर है। हाँ, और बालवीर हमारे बच्चों को कुछ नहीं होने देगा। हाँ, बालवीर उनको सुरक्षित बचा के लेके ही आएगा। अब यहाँ पे सिर्फ हम लोग ही बचे, हम लोगों को भी जाना चाहिए, नहीं तो मेरा जी गड्ढा हो जाएगा। डोंट वरी, हम सब यहाँ से बचकर निकल जाएंगे, ठीक है? हाँ। मोनिका पहले तुम जाओ, और तुम्हारे पीछे पीछे सलोनी और नील भी आ जाएंगे। जाओ जल्दी, जाओ मोनिका, जाओ। महर, मेरा फोन पानी में गिर गया, नहीं तो मैं तुम दोनों के साथ जरूर एक सेल्फी लेती, और आई एम श्योर फेसबुक पे उसे 1000 लाइक तो जरूर मिलते, क्योंकि तुम दोनों इतने ब्रेव जो। एंड आई एम सो सॉरी कि मैंने तुम्हारे साथ झगड़ा किया। डोंट वरी मोनिका, ऐसे बड़े बड़े कूल स्कूल्स में ऐसे छोटी छोटी बातें होती रहती है। मोनिका, अब सब भूल जाओ और जल्दी से ऊपर जाओ, जल्दी। ओके। थैंक यू मैडम मिस, अब तुम दोनों भी हमारे पीछे आओ। हाँ। अरे नील, नील रस्सी पकड़ ले, रस्सी पकड़ ले, आराम से। अरे बच्चे ऊपर चले गए, अब हम भी अपने लाइफ जैकेट्स पहनते हैं और ऊपर जाते हैं। हाँ, जल्दी निकाल। सॉरी मेयर। क्या हुआ मानव? मेयर, हमारे लिए और लाइफ जैकेट्स नहीं बचे हैं, लास्ट 3 बचे थे, वो मैंने मोनिका, सलोनी और नील को दे दिए। सॉरी, अब हम इस रिसॉर्ट से बाहर नहीं निकल पाएंगे मेयर। मानव, तुझे पता है मुझे ऐसा लगता था कि तू अच्छा है, पर मैं गलत थी। क्योंकि तू बहुत अच्छा है, सच्ची। और बालवीर कहता है ना कि अच्छे लोगों के साथ कभी भी बुरा हो ही नहीं सकता। डोंट वरी माना, हम बच जाएंगे पक्का। देख माना, अब हम पहले एक काम करते, यहाँ से निकलते और ऊपर जाते, ठीक है? जा, ऊपर जा। तू भी आ जा मैं। ये मानो महर की आवाज है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हैं।
मुझे उनकी मदद के लिए जाना ही होगा। लेकिन बालवीर, आपकी बात इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? मानो मेहर मेरी बहुत अच्छी दोस्त है रानी परी, लाखों करोड़ों लोगों में भी मैं उनकी आवाज को पहचान सकता हूँ। लेकिन बालवीर, आप गुरुदेव को नहीं पहचानते हैं। वो इतने शक्तिशाली है कि हमें भ्रमित करने के लिए कोई भी छल कर सकते हैं। और गुरुदेव की चाल में फंसकर तुम बाहर गए और उन्होंने तुम्हें कैद कर लिया तो? हाँ बालवीर, बाल परी बिल्कुल ठीक कह रही है। लेकिन रानी परी, परियो, अगर मैं नहीं गया और मानू मेहर और बाकी बच्चों को कुछ हो गया तो? बालवीर, ये समय भावनाओं में बह जाने का नहीं है, बल्कि दिमाग से सोचने का है। और हमें पूरा विश्वास है बालवीर कि ये सब कुछ गुरुदेव का रचाया हुआ छलावा है। और फिर बालवीर, अगर आपको कुछ हो गया तो हम गुरुदेव को कभी रोक नहीं पाएंगे। नेत्र खोलो वायुमम। अब होगा हमारे योद्धा वायु से परियों का विनाश, संपूर्ण विनाश। मैंने तुम्हें बचाया। बाली, तुम तांग्या, बाली, तांग्या। बाली, हमें तो लगा था कि तुम हमें बचाने नहीं आओगे। कैसा कभी हो सकता है कि मैं तुम दोनों को ना बचाऊं? अरे मोनिका तो वहीं रह गई। मोनिका, मैंने कहा कि हमें मोनिका को बचाना चाहिए ना। बच्चों चिंता मत कर, मैं मोनिका को कुछ नहीं होने दूंगा। No.
लिया तो मानव मेहर के लिए बजनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही हम सेफली यहाँ पहुँचे हैं। हाँ बालवीर, अगर मानव मेहर नहीं होते तो हम यहाँ कभी नहीं पहुँच पाते। बहुत अच्छे मानव मेहर, मुझे गर्व है तुम दोनों पर। तुम दोनों ने इतनी बड़ी मुसीबत में भी हार नहीं मानी और अपने साहस और सूझबूझ से सभी बच्चों को बचाया, बहुत अच्छे। अरे बालवीर, ये सिक्का हमें तुमसे ही मिली है। हाँ बालवीर, तुम हमारे सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि हमारी प्रेरणा भी हो। हाँ बालवीर जी, और ये अचानक मौसम खराब कैसे हो गया था, और ठीक भी हो गया अब तो? ऐसे कैसे? ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई तूफान आया ही नहीं था। चलो जो भी हो, हम बच तो गए। महेश, जरा बाहर जाके देखो ना, बच्चे अभी तक वापस क्यों नहीं आए? और वो तूफान भी इतना तेज था, पता नहीं बालवीर बच्चों तक पहुंचा होगा कि नहीं। बेकार में चिंता बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और मैं स्कूल ही जा रहे हैं, चल बेटा। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, क्या क्या बात है रे, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। थैंक यू सो मच, थैंक गॉड। बाबूजी, वहां से हमारे सारे बच्चे, नील, सलोनी, मानव, मेहर, सारे बच्चे समंदर से सही सलामत वापस आ गए हैं। अरे थोड़ी ही देर में घर में वापस लौट आएंगे। देखा बाबूजी, मैंने कहा था ना बालवीर हमारे बच्चों को जरूर बचाएगा। थैंक यू बालवीर, थैंक यू सो मच, वी आर प्राउड ऑफ यू। अपने सेवक के लिए क्या आदेश है गुरुदेव? त्रिनेत्रम गुरुदेवम महाशक्तिया, परियों और उनके साथी के विरुद्ध हम बहुत बड़ा युद्ध लड़ने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि तुम हमारी सुरक्षा करो। आपका यह सेवक आपके ऊपर होने वाले हर वार को अपने ऊपर ले लेगा गुरुदेव। मेरे रहते आपको कोई छू भी नहीं सकता। हमें तुम पर पूरा विश्वास है वायु, तीनों लोकों में इस समय तुमसे अधिक शक्तिशाली और महाबली योद्धा नहीं। वायु की संपूर्ण शक्ति और बल आपके लिए ही गुरुदेव। अब हम जिस महाशक्तिशाली शस्त्र से परियों और उनके साथी पर प्रहार करेंगे, उसके प्रहार से ना तो परी लोग बचेगा और ना ही पृथ्वी लोग। परंतु हो सकता है कि परियां और उनके साथी हमारे इस प्रहार को रोकने की कोशिश करें। उससे पहले वायु उनकी जीवन की गति को रोक देगा गुरुदेव। आपसे पहले उन्हें आपके सेवक से टकराना होगा। अगर वायु आपके लिए प्राण दे सकता है तो उनके प्राण ले भी सकता है। आशीर्वादम महाशक्तिया। आपने जो अभी हमें मानव और मेहर के साहस और सूझबूझ के बारे में बताया, उसे सुनकर हम एक युक्ति सूझी है, जिसकी मदद से हम गुरुदेव को ये विनाश करने से रोक सकते हैं। गुरुदेव को रोक सकते हैं? कैसे रानी परी? बाल परी, बालवीर, हम गुरुदेव पर वार इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम उनका आदर करते हैं। गुरु हैं वो हमारे, इसलिए हम उन पर वार नहीं करेंगे। और फिर उन्हें हराने के लिए और उनकी असीम शक्तियों का मुकाबला करने के लिए हमें और भी शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। हाँ रानी परी,
लेकिन हमारे सिवाय बालवीर की मदद और कौन सी जादुई शक्ति करेगी? आपने बिल्कुल ठीक कहा भटकाती परी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब हमारे स्थान पर बालवीर के साथ मानव और मेहर जाएंगे। हाँ? हाँ? बालवीर के साथी बनकर। हाँ परी, गुरुदेव का मुकाबला करने के लिए बालवीर के साथ मानव और मेहर जाएंगे एक योद्धा बनकर। पर रानी परी, मानव मेहर गुरुदेव की जादुई शक्तियों के सामने टिक नहीं पाएंगे। हम जानते हैं, और इसीलिए हम मानव और मेहर को भी जादुई शक्तियां देंगे। हाँ? हमें मानव और मेहर पर पूरा विश्वास है कि वो अपनी बुद्धिमानी, वीरता और हमारी जादुई शक्तियों के साथ बालवीर के साथ एक योद्धा बनकर लड़ेंगे, और वो गुरुदेव को परिलोक को नुकसान पहुंचाने से रोक लेंगे। रानी परी, आप हम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल रही हैं। हाँ, हमें नहीं लगता कि हम आपके इस भरोसे को पूरा कर पाएंगे। मानो मैं, तुम दोनों ने ही हमें विश्वास दिलाया है कि सच्चाई और अच्छाई की रक्षा के लिए तुम दोनों लड़ सकते हो, और जादुई शक्तियों की मदद से एक वीर योद्धा बन सकते हैं। और अगर बात हार जीत की है तो हर युद्ध में हार जीत तो होती है। अगर हम जीतते हैं तो आगे बढ़ते हैं, और अगर हारते हैं तो अपनी हार से एक सीख लेते हैं, फिर से कोशिश करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चा, प्यार, दोस्ती, सच्चाई, अच्छाई, साहस और बुद्धिमान, आप दोनों में वो हर एक गुण मौजूद है जिससे आप इस जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छी तरह से निभा सकते हैं। ठीक है रानी परी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके विश्वास को हम टूटने न दें। हम बालवीर के साथी बनकर सच्चाई और अच्छाई की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। हाँ रानी परी, हम तैयार हैं। परियों, इन बच्चों को शक्तियां देने की प्रक्रिया आरंभ की जाए। मानव, मेहर, आप आगे आइए। मेहर, आप हैं बाल सखी,
और मानव आप हैं बाल मित्र। लगता है मोनिका अब तक मुझ में और मेरी पार्टी में खोई हुई है। अभी जाकर उससे बात करता हूँ ताकि अगली पार्टी प्लान कर सकूं। मोनिका, तुम किसके बारे में सोच रही हो? माय हीरो। हाँ? वाव, मोनिका मुझे अपना सुपर हीरो समझती है। मुझे मोनिका, तुम्हें कल की यॉट पार्टी कैसे लगी? कल का दिन मोनिका के लिए सबसे बेस्ट दिन था। अगर कल बर्थडे पार्टी यॉट पे नहीं होती तो मोनिका को उसका सुपर हीरो कैसे मिलता? तुम आज से मोनिका की बेस्ट फ्रेंड हो, हीरो, सुपर हीरो। तुम सेल्फी की तरह मोनिका की फ्रेंड बुक पे प्रोफाइल पिक्चर की तरह अपलोड हो गए हो। तुम कूल हो, कूलर हो, नो नो नो, कूलेस्ट हो, तुम बेस्टेस्ट हो। ए पिद्यो, सुना सुना तुम लोग ने? मोनिका मुझे उसका हीरो समझती है। हीरो नो नो, सुपर हीरो समझती है वो मुझे, कूलेस्ट हीरो, है ना मोनिका? रोहित आते आते मोनिका के लिए सबसे महंगी वाली चॉकलेट लेकर आ, और जो चिल्लर बचेगी ना उसकी लेमन की गोली खा लेना। आज तक मोनिका इतनी इंप्रेस कभी नहीं हुई जितनी तुम्हें देखते हुए। सारी क्लास मोनिका के पीछे और मोनिका तुम्हारे पीछे। बस मोनिका, मेरी और तारीफ मत करो, मैं गिर जाऊंगा। मोनिका मोंटू, तुम गिर कैसे गए? अरे जाने दो ना मोनिका, मोंटू तो गिरा हुआ ही है। मोनिका बस मुझे इतनी तारीफ सुनने की आदत नहीं है। हाँ, क्योंकि इसको तो सर की डांट सुनने की आदत है। हेलो। हाँ, तुमने अपने ड्रीम में भी कैसे सोचा कि मोनिका तुम्हारी तारीफ करेगी? क्या तो मैं सेल्फी बनकर तुम्हारे मन में अपलोड नहीं हुआ हूँ? OMG, नो, नेवर एवर। मैं तो द कूल सुपर हीरो की बात कर रही थी, बालवीर की। ये नटखट परी अभी तक क्यों नहीं आई? हमारे पास समय बहुत ही कम है। अगर गुरुदेव ने कुछ। हम आगे रानी परी। चलिए, स्मृति अंक भी तैयार है। स्मृति अंक ये क्या है रानी परी? पालवीर, हम अभी बताते हैं। बालवीर, हम
हमारी 1000 साल पुरानी स्मृति इस स्मृति यंत्र में समा गई है। ये उस दुर्घटना की स्मृति है जब गुरुदेव तूफान में डूब गए थे। हाँ बालवीर, अब यही स्मृति यंत्र गुरुदेव को हमारे निर्दोषता का प्रमाण देगा। क्या चल रहा है सुबह सुबह लाइन में खड़े हो? मोनिका को हाय बोलने के लिए। आ जाओ तुम भी पीछे आ जाओ। मोनिका सुबह सुबह इनका मुंह देखेगी? हाँ। तुम्हारा मुंह देखेगी तो उसका दिन खराब जाएगा। पर सबसे पहले माउंट टू द ग्रेटेस्ट लखानी का मुंह देखेगी ताकि उसका दिन अच्छा जाए। चलो पीछे। अरे ओ मैडम, तो हाय गाइस। हाय हाय मोनिका। मोनिका आज तुम साइकिल पे? अरे तुम्हारे पास तो बड़ी गाड़ी है ना जैसे मेरे पास है। यस आई हैव, बट यू नो व्हाट, आज प्रेफर साइकिल क्योंकि मोनिका साइकिल चलाने से फिट है और मोनिका का फिगर मेंटेन रहता है। अंडरस्टैंड? अब से मोनिका रोज साइकिल चला के स्कूल आएगी। वेरी गुड, मैं भी यही सोच रहा था कि मुझे भी एक नई साइकिल ले लेनी चाहिए। फिर हम दोनों एक साथ साइकिल पे आएंगे। मैं भी स्लिम ट्रिम, तुम भी स्लिम ट्रिम। मोंटू तुम और साइकिल। तुम तो 10 मिनट चलते और थक जाते हो, साइकिल क्या लोगे? इसका बस चले ना, तो ये तो यहाँ से क्लासरूम तक जाने के लिए भी कन्वेयर बेल्ट लगवा ले। ये क्या चलाएगा साइकिल? मोनिका तुम इन टिड्डियों की बात पर ध्यान मत दो, मैं नई साइकिल लूंगा और उसे चला कर दिखाऊंगा। बाय गाइस। बाय बाय मोनिका। साइकिल लेने मनीष, इससे पहले ये दोनों मोनिका को इम्प्रेस करे हम दोनों को कुछ करना होगा। चिंता मत कीजिए बाल परी, गुरुदेव यही कहीं होंगे। नहीं मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे गुरुदेव परियों। क्यों?
क्योंकि मेरे जादू ने हमेशा हमेशा के लिए उन्हें ऐसी जगह दफन कर दिया है कि 1000 साल तक उनका बाहर निकलना नामुमकिन है। देखा परी, स्मृति को देखते ही गुरुदेव को हम पर विश्वास हो जाएगा कि हम निर्दोष हैं। हमने उन्हें नहीं फंसाया था, बल्कि उस पूरी शक्ति ने उन्हें फंसाया। की बात बिल्कुल सही है रानी परी, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि इस स्मृति यंत्र को गुरुदेव के पास कौन लेकर जाएगा, क्योंकि गुरुदेव हमें जब बालवीर को देखते ही हम पर आक्रमण कर बैठेंगे। हाँ रानी परी, क्योंकि गुरुदेव तो हमें आपकी स्मृति दिखाने का अवसर ही नहीं देंगे। ये स्मृति यंत्र मैं और बाल सखी लेकर जाएंगे गुरुदेव के पास। मानव, आप दोनों गुरुदेव से युद्ध करना आप दोनों की बस की बात नहीं है मानव महर। हाँ, हम आप दोनों को इतने बड़े खतरे में नहीं डाल सकते। लेकिन हमें कोई खतरा कैसे हो सकता है? हम परिलोक से नहीं है और गुरुदेव हमें जानते तक नहीं, इसलिए वह हमारी बात जरूर सुनेंगे। नहीं मानव महर, मैं तुम दोनों को जाने की अनुमति नहीं दे सकता, क्योंकि गुरुदेव अभी बहुत क्रोधित है और वो तुम दोनों पर भी आक्रमण कर सकते हैं। बालवीर, मानव और महर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम गुरुदेव के पास गए तो गुरुदेव युद्ध आरंभ कर देंगे। और बालवीर, गुरुदेव हमारे गुरु हैं, आप जानते हैं कि हम उन पर प्रहार कभी नहीं करेंगे। और ऐसी स्थिति में गुरुदेव के पास मानव और महर को भेजने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचता। लेकिन रानी पर जाने दीजिए बालवीर। ला ला ला, अरे बॉस, अरे लल्ला, अरे रुको बॉस, ला ला ला, रुको। अरे क्या मोंटू बॉस, घर से भगा भगा के लेके आए, अगर डबल सीट लेके आते तो आपका क्या जाता? नहीं, मैं ये डबल सीट नहीं ला सकता, ये जो सीट है ना, ये ऑलरेडी बुक्ड है। बुक्ड है? किसके लिए बुक्ड है? मोनिका, मोनिका यहाँ पीछे बैठेगी और मैं पैंडल मारूंगा, फिर हम घूमेंगे घूमेंगे, मेरी साइकिल हवा से बातें करेगी और मैं उससे, हम गार्डन में घूमेंगे। ला 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 ला। मोंटू बॉस, आपका सपना सच नहीं हो सकता। क्यों? मोंटू बॉस, मोनिका के पास तो अपनी खुद की एक साइकिल है, वो आपके साइकिल पे क्यों बैठेगी? अरे बेवकूफ, लेकिन तुम मान लेना उसकी साइकिल गुम हो गई है तो? तो मोंटू बॉस, उस साइकिल गुम करने वाले को ना मैं इतना मारूंगा, इतना मारूंगा, इतना मारूंगा कि मोंटू बॉस उसके सारे स्पेयर पार्ट अलग अलग हो जाएंगे। अब बेवकूफ, मोनिका की साइकिल मैं ही गुम करने वाला हूँ। क्या? हा? क्यों? कब? कहाँ? कैसे? किस लिए? चुप रह, अब मेरा प्लान ध्यान से सुन। देख, मैं एक तीर से दो शिकार करूंगा, पहले तो मोनिका की साइकिल गुम करूंगा और फिर उसको यहाँ पीछे बिठाऊंगा और फिर हम घूमेंगे घूमेंगे और घूमेंगे और फिर उसकी साइकिल ढूंढ के दूंगा और फिर उसके नजरों में मैं हीरो बन जाऊंगा। ला 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 ला। अच्छा, इसलिए? वाह मोंटू, क्या सॉलिड आइडिया है। ला 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 ला। सॉलिड प्लान में पंचर तो करना ही होगा, करेंगे ना।
गुरुदेव, हम इस प्रथम लोक में क्यों आए? हम यहाँ ध्यान करके सूरज की सारी ऊर्जा को सोख लेंगे, उसके पश्चात परियों का विनाश निश्चित है। परंतु इसकी क्या आवश्यकता है गुरुदेव? आप मुझे आदेश कीजिए, मैं अभी परिलोक जाकर उन सब का सर्वनाश कर दूंगा। नहीं वायु, परियों की शक्ति का तुम्हें अंदाजा नहीं है। उन्हें हमने स्वयं सब कुछ सिखाकर इतना शक्तिशाली बनाया, और फिर वो योद्धा बालवीर वो भी कम शक्तिशाली नहीं है। तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं होगा। जैसा आप ठीक समझे गुरुदेव, मेरे लिए क्या आदेश? तुम यहां पहरा दो ताकि हमारे ध्यान में कोई बाधा न डाल सके। जो आज्ञा गुरुदेव। रानी परी, भले ही मानव महर गुरुदेव के लिए अपरिचित हो, लेकिन आपको नहीं लगता कि मानव महर के पास गुरुदेव के सामने जाने के लिए थोड़ी और शक्तियाँ भी होनी चाहिए? हाँ बाल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस कार्य के लिए हम मानव और महर को दो विशेष शक्तियाँ देंगे। मानव, महर, आप दोनों आगे आइए। जी रानी परी। में क्या ढूंढ रही हो? देखो साइकिल, मोनिका की साइकिल नहीं मिल रही है। मैंने यही बात की थी, पता नहीं कहाँ चली गई। तुम टेंशन मत लो मोनिका, मोंटू जितना डफर दिखता है ना, वो उतना है नहीं। मैं तुम्हारी साइकिल ऐसे ढूंढ के लाऊंगा। ए, कौन है जिसने मेरी मोनिका की साइकिल चुराई? मोनिका की साइकिल चुराई, बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ, वरना मोंटू से बुरा कोई नहीं होगा। बाहर आओ। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? मोनिका की साइकिल गार्डन में है। तुम्हें कैसे पता? वो इसका मतलब है कि मेरी भी साइकिल घूम गई थी ना, तभी वो हमें गार्डन में मिली थी, है ना? यही मतलब है। हाँ मोनिका, तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारी साइकिल ऐसे ढूंढ के निकालेंगे। आ जाओ, तुम मेरी साइकिल पे बैठ जाओ। ओ हेलो मोनिका, तुम्हारी साइकिल पे क्यों बैठेगी? क्योंकि यही तो मोंटू बॉस का प्लान है। What? अभी अभी बना,
अभी अभी ये प्लान बना है। वो क्या है ना, हाँ तुम मेरी साइकिल के पीछे बैठोगी और हम एक साथ तुम्हारी साइकिल ढूंढेंगे। ओके ओके बैठो। यस चलो। सुनील वो लोग आ रहे, वो निकाल। मोनिका तुम टेंशन मत लो, जिसने भी तुम्हारी साइकिल चुराई है ना, वो मॉन्टू द ग्रेटेस्ट लखानी को देख के हवा निकलने वाली है। अरे बाप रे, मोनिका को गिरा दिया। अरे मोनिका उठो उठो आराम से। मोनिका तुम तो मैंने कहा था ना इसे साइकिल चलाना नहीं आती। मोनिका सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मोंटू तुमने मोनिका को गिरा दिया। हेलो मोंटू बॉस, आपने मोनिका को गिरा दिया। कौन सी पाउडर रानी परी? हम आपको अभी बताते हैं, आप अपने स्थान पर वापस आइए। मानव अब डूबा डूबाए दौड़ते हुए डूबा डूबा तीन के पास जाएंगे और फिर आप अपने हाथ को इस तरह करके डूबा डूबाए को रोकेंगे। डूबा डूबाए जाइए। मैं डूबा डूबाए, ये हमारा आदेश है, जाइए। तो देखिए मानव, ये है आपकी जादुई शक्ति जिससे आप 15 पलों के लिए किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति को स्थिर कर सकते हैं। मानव अब आप डूबा डूबा एक की तरह अपनी मुट्ठी को इस तरह से बंद कीजिए। अरे गई टूट मेरी हड्डी पसलिया। आत्मा ते सब नई शक्तियां मुझ पर है क्यों? महर अब आपकी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। हाँ, लेकिन किससे? वो देखिए, वो डूबा डूबा है ना जो लड्डू लेकर जा रहे हैं, आप अपनी आंखें उन लड्डू पर रखिए। और अपनी आंखों को दाएं और बाएं घुमाइए। महर अब आप दो बार अपनी पलकें झपकाइए। वाओ! तो मानव महर ये है आप दोनों की शक्तियाँ। मानव आपकी शक्ति ये है कि आप 15 पलों के लिए किसी भी वस्तु या व्यक्ति को स्थिर कर सकते हैं। और महर आपकी जादुई शक्ति ये है कि आप किसी भी वस्तु या व्यक्ति को अपने स्थान से हटा सकती हैं।
तो आप दोनों समझ गए ना? मनीष, जब मोंटू को यहाँ साइकिल नहीं मिलेगी उसका कपड़ा कैसा होगा? एक घड़ी जिसमें 12 बजे। अब मेरा मन मीठा हो गया। हाँ, लेकिन पहले अभी हमें मोंटू का जी खट्टा करना है। वो किसी भी वक्त मोनिका को यहाँ लेके ही आता होगा। अभी हम इस साइकिल को छुपा दें। चल। मनीष, ये अचानक से सूर्य ग्रहण कैसे हो गया है? न्यूज में डिक्लेयर भी नहीं करा था। तूने पूरी न्यूज देखी थी? नहीं यार, पूरी तो नहीं देखी, पर जितनी देखी थी उसमें तो ऐसा कुछ नहीं बताया था। अरे छोड़ना इस सूर्य ग्रहण को, हमें मोंटू के प्लान पे ग्रहण लगाने। चल। मनीष, अब तो लग रहा है ना कि दोनों हीरो को विलन ने बहुत पीटा है। हाँ, चल। मोनिका की साइकिल यहाँ भी नहीं है, तो कहाँ है मोनिका की साइकिल? मोनिका, तुम्हारी साइकिल ना शायद से वहाँ होगी। अरे क्या मोंटू बॉस टाइम पास करवा रहे हो, साइकिल तो वहाँ छुपाई थी। हा? चोर ने वहाँ छुपाई होगी ना? चलो। चलो चलो चल रहे। कहाँ गई रोहित? कहाँ गई? मुझे क्या पता, हमने साइकिल शहर से उठा के यहीं तो रखी थी। रखी होगी, चोर ने साइकिल स्टैंड से उठाकर यहाँ रखी होगी। मोंटू, मोनिका को लगता है कि तुम मोनिका को बेवकूफ बना रहे हो। सच सच बताऊं कि क्या चल रहा है? मोंटू बॉस, भूत को मानव मेहर, आप इस स्मृति यंत्र को अपने साथ बहुत ही संभाल कर लेकर जाएगा। आप चिंता मत कीजिए रानी परी, हम इसे संभाल के लेके जाएंगे। जाएं। रुको मानव मेहर, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन बालवीर, आप कैसे जा सकते हैं? आप तो जानते हैं कि गुरुदेव आपको देखते ही। मैं जानता हूँ माँ, लेकिन मैं मानव मेहर को अकेले नहीं जाने दे सकता। लेकिन बालवीर। ठीक है बालवीर, हम आपकी चिंता को समझते हैं। आप मानव और मेहर के साथ जा सकते हैं, लेकिन हाँ बालवीर, जाने से पहले आपको हमें वचन देना होगा कि आप गुरुदेव के सामने नहीं जाएंगे, बल्कि दूर से ही मानव और मेहर की रक्षा करेंगे। ठीक है रानी भाई, जैसा आप कहें, लेकिन गुरुदेव हमें मिलेंगे कहाँ? रानी परी, वो देखिए। अरे आज तो सूर्य ग्रहण नहीं है, फिर अचानक से सूर्य पे ग्रहण लगना क्यों शुरू हो गया? ये सूर्य ग्रहण नहीं है भटकाती परी, ये तो गुरुदेव की माया है। परियों, हमें पूरा विश्वास है कि गुरुदेव प्रथम ग्रह पर पहुंच चुके हैं और वहां पहुंचकर उन्होंने सूर्य की ऊर्जा को सोखना शुरू कर दिया। अगर गुरुदेव सूर्य की सारी ऊर्जा सोख लेंगे तो पृथ्वी लोक पर सारा जीवन नष्ट हो जाएगा। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, कुछ भी नहीं बचेगा। We'll be right back.
क्या कर रही है? ये बहुत लॉन्ग स्टोरी है मोनिका, शॉर्ट में बता। चल पॉइंट पे आ, चल। मोनिका पॉइंट सिर्फ इतना ही है कि एक चोर तुम्हारी साइकिल लेके भाग रहा था और हमने उसे पकड़ लिया और फिर वो चोर मुझे मारने के लिए आया और मैंने उसे एक दिया और फिर मैंने उसे एक और दिया और फिर मैं नील की मदद करने गया और फिर मैंने उसको तो ये मारा और फिर ये मारा और फिर हम दोनों ने ए, तुम लोग हम दोनों को क्यों मार रहे थे? सॉरी सॉरी मोंटू, वो क्या सिचुएशन कितनी सीरियस थी ना, वो बताने के लिए मारना पड़ा। ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया। मोनिका हमने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि वो साइकिल थी तुम्हारी। वाओ कितने प्यारे तुम लोग, तुम लोगों ने मोनिका की साइकिल बचाई, थैंक यू। मोनिका ये दोनों है ना नाटक कर रहे, इन्हें किसी ने कुछ मारा नहीं है और ना ही इन्होंने किसी को मारा है। मुझे तो लगता है इन्होंने ही तेरी साइकिल चुराई थी, है ना? और तुम्हारे सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। हाँ नहीं नहीं आ आ मोनिका ये दर्द झूठा नहीं है, हमें सच में बहुत मार पड़ी है। ए, लेकिन ओ प्लीज मोनिका को तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी क्योंकि मोनिका को पता है तुम हमेशा झूठ बोलते हो। नील परिश चलो मोनिका तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलती है। नहीं नहीं मोनिका ये तो मामूली चोट है, तुम जाओ क्लास में, हम तुम्हारी साइकिल साइकिल स्टैंड में रख देंगे। हाँ जाओ। अच्छा हाँ हाँ थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ओके। हाँ वैसे मोंटू ये सॉस तो तुम्हारा भी बॉस निकला। बॉस सॉस सॉस बॉस सुना मैंने। मानो मैं वो देखो वो रहे गुरुदेव। छुप जाओ। मानो मैं रानी परी को दिए हुए वचन के अनुसार मैं यहां से तुम्हारे साथ आगे नहीं आ सकता, अब तुम दोनों को अकेले ही गुरुदेव के पास जाना होगा। ठीक है बाजी तुम यही रुको, मैं और बालमित्र वहाँ जाते हैं। बालमित्र तुम जरा देखना वो स्मृति अंदर ठीक है या नहीं। हाँ सेफ है चलो। रुको मानो मैं एक बात याद रखना, ये प्रथम ग्रह बहुत ही अस्थिर है और इसलिए यहाँ पर कभी भी कहीं से भी शिलाएं और उल्काएं गिरती रहती है, संभल कर आगे जाना। डोंट वरी बाजी हम अपना ख्याल रखेंगे। बाल मित्र अब क्या हुआ, क्या अब क्या हुआ, तूने बालवीर को फ्रीज कर दिया। सॉरी सॉरी बालवीर, क्या स्टूपिड तुझे सॉरी सॉरी बोले जा रहा है, वो थोड़ी ना तेरी सॉरी सुन पाएगा। जल्दी से रिलीज कर उसे वरना पीट दूंगी। सॉरी